जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के मनोगत यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कोरोना की चपेट से बच के निकला हूँ। इस भयंकर महामारी के नाम से शरीर कांपने लगता है, भगवान करे किसी को ना हो। अब मेरी इच्छा है कि मैं भी मानव सेवा करूँ। आज अनेक संक्रमितों को प्लाज्मा की सख्त ज़रूरत है, मैं प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस छोटी सी सेवा से किसी की जान बच जाए तो ये मेरा मनुष्य जीवन ये बहुत सार्थक हुआ ऐसा मैं समझूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी विनंती है कि जिनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और जो ये अपील हमारी व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप सभी को प्लाज्मा दान करने के लिए मैं विनंती करता हूं, आप तैयार हो जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लाज्मा दान कीजिए। मेरा भारत सचमुच महान है, मेरा भारत सचमुच महान है, मुझे करना प्लाज्मा दान है, मुझे करना प्लाज्मा दान है। जय जनेंद्र। आज महावीर जयंती के दिन जैन युवक महासंघ ने, जैसे उन्होंने सबसे पहले पुणे में कोविड सेंटर शुरू किया, हजारों लोगों को जीवन दान देने का महान कार्य जैन महासंघ कर रहा है और उसके आगे की स्टेज लेके आज महासंघ ने महावीर जयंती के निमित्त प्लाज्मा डोनेशन और प्लाज्मा कलेक्टिंग का एक अभिनव उपक्रम शुरू किया। हम जानेंगे ये जो प्लाज्मा के जो आपने कलेक्शन करना या डोनेशन करना, क्या ये ड्राइव है, कौन से ग्रुप मिल के आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमने जो जे जूनियर प्रतिष्ठान में सबसे पहले हमने प्राइवेटली एक कोविड सेंटर शुरू किया था, उसके बाद में काफ़ी सेंटर शुरू हो चुके हैं और हर जगह पे जो पेशेंट आते हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है और उस समय रेमडेसिविर के इंजेक्शन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन कभी कभी मिलते नहीं हैं और उनको देने के बावजूद भी अगर मरीज अच्छा नहीं होता है तो उसके लिए उस समय प्लाज्मा की बहुत आवश्यकता होती है। हमने जो आकलन किया है उसके अंदर प्लाज्मा ये जीवनदायी संजीवनी है, जो भी क्रिटिकल पोजीशन में व्यक्ति पहुंच जाता है, रुग्ण पहुंच जाता है, उसको इसकी बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे समय में अगर प्लाज्मा हम देते हैं तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, जीवन अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए हमने प्लाज्मा ड्राइव करने की कोशिश की, शुरू किया है आज और आज यहाँ पर काफ़ी यंग ब्रिगेड हमारे यहाँ पर खड़ी हो गई है, महासंघ के साथ में, जय जीवन प्रतिष्ठान के साथ में हमारे यहाँ पर युवक महासंघ है, SPG ट्रस्ट है और हम जैन सोशल ग्रुप प्लेटिनम, ये सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, पूरा यंग ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात मतलब बड़े उत्साह के साथ में लोगों ने इसको प्रतिसाद दिया है। जिन जिन लोगों ने कोरोना पॉजिटिव में से निकल गए हैं वो लोग ये इसका लाभ ले सकते हैं, लोगों को जीवन दे सकते हैं, इसके लिए हमने आज ये शुरू किया है। क्या ये ड्राइव है, किस प्रकार से आप इसको ऑपरेट करने वाले हैं, ये प्लाज्मा ड्राइव? नाजुश्री जय जिनेन्द्र प्रतिष्ठान में करीबन 2000 लोगों की सेवा हो चुकी है जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे, उसमें से कुछ पेशेंट्स ने कहा कि हम तो बच गए, हमारा ये सौभाग्य कि हमें एक नया जीवन मिला है, हम कुछ लोगों के काम आए ये हमारी विचार है। इसलिए कुछ युवाओं ने मिलकर जो प्लाज्मा ड्राइव का सोचा था और ये 1800-2000 लोगों का जो डेटा था हमारे पास, वो डेटा उनको जब दिया दिखाया तो उन बच्चों ने कहा कि हम आगे इन जितने भी संक्रमित जो रुग्ण मरीज़ यहाँ से घर पर गए हैं उनसे हम संपर्क करके उनसे डेटा लेकर उनकी प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे कि आप भी प्लाज्मा दान कीजिए, कि इस प्लाज्मा दान से अनेक जीवों को एक नया जीवन मिल सकता है, अनेक मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। इस तरह से ये पूरा डेटा संकलित करके हमारे जय जिनेन्द्र प्रतिष्ठान, युवक महासंघ, जैन सोशल ग्रुप प्लैटिनम और साथ में SPG फाउंडेशन और उनके जो है गुंदेचा परिवार से एक युवा, वो काम करने के लिए तैयार हो गए और साथ साथ उनके साथ और बच्चे जुड़ गए और युवा जुड़ गए हैं, वो सभी ये संकलित किए हुए नाम को संपर्क करके, कल से शुरू किया उन्होंने संपर्क करके उनसे, अब तक उनकी स्वीकृति ली और अब तक 80 लोगों ने स्वीकृति की है कि हम आने वाले मंगलवार को जो पहला हमारा चरण में जब हम शुरू करेंगे ये प्लाज्मा बैंक ड्राइव, उस समय 80 लोगों ने अब तक
अपनी स्वीकृति प्रदान की कि हम प्लाज्मा दान देने के लिए तैयार हैं, हमारा एंटीबॉडी चेकअप होने दीजिए और उसके बाद हम तैयार हैं। इस तरह से हमको एक नया जोश मिला है और हम चाहते हैं कि न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत में इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि हर जगह लोग जो संक्रमित हुए हैं पॉजिटिव पेशेंट से, वो आगे जाकर भविष्य में अपना प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि अनेक जीवों की यहाँ पर जीव बच सके, अनेक मानव को एक नया जीवन मिल सकता है। इसी सोच के साथ हमने ये शुरू किया है। आने वाले मंगलवार के दिन यहाँ पर इसी जगह से हम ये शुरू करेंगे, ताकि पूरे पुणे में प्रचार प्रसार हो और लोग अपनी स्वीकृति, और साथ में हमने रूबी हॉस्पिटल से टाई अप किया है, वहाँ पर हमारी ब्लड बैंक से बात हो चुकी है और वहाँ से हम शुरुआत करेंगे काम की। और इस तरह से हम चाहते हैं कि ये जन जागरण हो, पूरे पुणे में, पूरे विश्व में जन जागरण हो। डोनेशन कैंप में हमारे महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश भाई शाह भी जुड़े हुए, हम उनसे जानेंगे कि क्या ये कैंपेनिंग है और क्या ये आपकी सोच बनी कि आपने ये इतना अच्छा मानव सेवा का कार्य आप शुरू कर रहे। महावीर भगवान का एक था जियो और जीनो दो, ये संकल्प को लेके आज युवक महासंघ पुणे साथ में SPG ग्रुप, जैन सोशल ग्रुप और इन्हें अनेक संस्थाओं ये कार्य जो अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो करने जा रही है। मैं पूरे देश की तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ और साथ में मैंने आज ही कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हम पूरे देश में चलाएंगे, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया में 5.5 से ज़्यादा शाखा कार्यरत है, जैसे कि पुणे, मुंबई, हर जगह। तो हम ये प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाना चाहते हैं, तो इसके एक पुणे से हम, क्योंकि पुणे एक कहावत है, पुणे इधर कहीं नहीं उड़े, यहाँ जो शुरुआत होती है वो पूरे जगत में चलती है। तो ये प्लाज्मा की जो शुरुआत हम पुणे करने जा रहे हैं वो पूरे देश में उसका हम प्रचार करेंगे और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तो फायदा लेंगे, ले सकते हैं उसको लेने का प्रयत्न करेंगे। जैन महासंघ और SPG फाउंडेशन सोशल प्लैटिनम, ये तीनों संस्थान मिलकर आपने जो महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के निमित्त प्लाज्मा डोनेशन का जो अनोखा उपक्रम किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार से आप डोनेशन करने वाले, कहाँ से जो डोनर है वो कैसे आप ढूंढने वाले और कौन से हॉस्पिटल में ये होगा और कैसे आप इसको देखते हैं कि कितना ये सक्सेस। तो SPG फाउंडेशन के माध्यम से हम ये सारे शिविर लेने का प्रयास कर रहे हैं। SPG फाउंडेशन के तरफ से सभी जिसको ज़रूरत है प्लाज्मा की ये जल्द से जल्द मिले, और इसमें जुड़े हैं जैन महासंघ, JSG पुणे प्लैटिनम, इनके सहकार के बिना तो ये हो ही नहीं सकता है। 4 दिन पहले हमने एक हिस्ट्री बोल सकते हैं इसको, ताकि लोग मोटिवेट हो, और हिस्ट्री ही है ये, 49 सैंपल्स हमने एक दिन में कलेक्ट किए, उसमें से 29 लोग सिलेक्ट होके 25 लोगों ने डोनेशन किया। 25 × 3 75 लोगों को प्लाज्मा मिल पाया 2 दिन में। ये कहाँ पे हुआ, ये जो आपने किया अभी जो बताया वो कहाँ पे? ये हमने रूबी हॉल क्लिनिक पुणे स्टेशन ब्लड बैंक से उनके माध्यम से हमने ये किया, और SPG फाउंडेशन के उस दिन सपोर्ट में JSG जैन सोशल ग्रुप प्लैटिनम पुणे, इन्होंने इतना 2 दिन में ये तैयारी सभी लोगों ने मिलके करनी, ये नामुमकिन है। जब भी एक हफ्ते में लोगों को डोनर, एक डोनर नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों से हम लोग ने मदद की हुई है तो हमको पता चल रहा है। इस तरह का काम आज तीनों संस्था मिलके करने वाले हैं और हमारा एक ही एजेंडा है, पुणे जैन महासंघ, SPG फाउंडेशन और JSG प्लैटिनम पुणे, इन तीनों का एक ही एजेंडा है कि काउंटर पे कोई भी पूछना है कि प्लाज्मा उपलब्ध है क्या, तो उनको मिलना चाहिए प्लाज्मा, ये हमारा एजेंडा है। कितने दिन तक ये आपका ड्राइव चलेगा और आप कितना टारगेट पकड़ रहे हैं कि आप कितना प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे? सर मैं तो बोलूँ ये ड्राइव कल ही खत्म हो जाए, ताकि लोगों की ज़रूरत बन पड़े, लोगों को ज़रूरत ना पड़े। मैं तो इस मत का हूँ, लेकिन लोगों को ज़रूरत जब जब तक तब तक रहेगी लोगों को ज़रूरत, तब तक हम लोग ये करते रहेंगे, दिन रात करेंगे हम लोग। और ये जो SPG फाउंडेशन जो है आपका, उसमें और कौन कौन एक्टिव कार्यकर्ता है जो इसमें जुड़े हुए आपके साथ? SPG फाउंडेशन में मनोज जी शाह, नितिन जी जैन, परिन जी शाह और राहुल जी लोढ़ा, ये सारे हैं। नीलेश जी, जीनित जी जैन, ये सभी का इसमें महत्वपूर्ण इसमें सपोर्ट है। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम ही सभी मेंबर हैं, मैं ऐसा बोलता हूं कि SPG के मेंबर सारा पुणे है, सारा इंडिया, सभी लोग हैं। जिस किसी को भी जुड़ना हो तो वो आपका SPG है, आप कभी भी आ सकते हैं। सभी लोग जो संक्रमित हुए हैं उन्होंने आगे आके ये प्लाज्मा एक बार तो भी डोनेट करें, ताकि एक मई से जब तरुण लोगों का यानी यंगस्टर्स लोगों का जब वैक्सीन स्टार्ट होगा, तो वो एक महीने तक एक बार वैक्सीन लेने के बाद नहीं डोनेट कर पाएंगे, तो जो भी मेंबर को, जो भी पेशेंट्स को प्लाज्मा लगेगा, तो उन लोगों को वो टाइम पे हमको बहुत दिक्कत आएगी ये वापस प्लाज्मा इकट्ठा करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि एक बार ब्लड डोनेशन करें जो कोरोना जिसको नहीं हुआ है, और एक बार प्लाज्मा डोनेशन करें बिना, बिफोर अ वैक्सीन, दैट्स अ रिक्वेस्ट। एंड SPG का एक नारा
और एसपी जे के नहीं तो अब ये सभी का नारा है, वी कांट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। इस जो कैंपेन चल रहा है उसमें जो सक्रिय कार्यकर्ता, आप सब जानते हैं गए मार्च से अपने भारत में कोविड के पेशेंट मिलने चालू हो गए थे, हमने उस वक्त से चालू किया और अब तक लगभग 1150 के ऊपर एसपीजी फाउंडेशन की ओर से हमने प्लाज्मा लोगों को दिया है। अभी मार्च महीने से हमने लगभग 400 के ऊपर दिया है। इस वक्त हमने करते हुए यही सोचा है कि पुणे के सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोविड पेशेंट इनको प्लाज्मा की ज़रूरत है उनको हम प्लाज्मा दे सके। आज पुणे के युवा शक्ति यानी 4 संस्था मिलकर हम लोग ये नया और एक उपक्रम चालू कर रहे, ड्राइव चालू कर रहे, इससे पुणे के बहुत से लोगों को, हमने पुणे प्लाज्मा ग्रुप चालू किया था, व्हाट्सअप का ग्रुप चालू किया, जब भी 3 जन थे, विपुल भाई, नितिन भाई और मैं, एक ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया हमें भी पता नहीं, हमारे संदेश सब जगह जा रहे थे, हमको मुंबई से दिल्ली से इंक्वायरी आनी शुरू हो गई, हमारे ग्रुप की जो खास बातें थी वो उन तक हम फॉरवर्ड करते थे, दिल्ली ग्रुप में भी जा रही थी, दिल्ली के ग्रुप के अंदर दिल्ली वाले ने एक अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है जो पिछले 5 दिन से करीबन बहुत लोगों को हेल्प किया है, उन्होंने उनके लिए हमारे ग्रुप से इंस्पायर होके व्हाट्सअप प्लाज्मा ग्रुप बनाया, ऑन द स्पॉट वो लोग ब्लड दे रहे, प्लाज्मा दे रहे, आदमी लोग को खाना दे रहे, मुफ्त में सब सर्विस दे रहे, और उन्होंने हर बार अपना एसपीजी फाउंडेशन का हमारा नाम, पुणे का नाम को याद करें कि पुणे वाले ने ये शुरुआत की है, हम उससे भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हम ये बात के खुशी है कि अगर वो हमसे आगे निकले हमको खुशी होगी, और ये दिल्ली वाले ने जो इंस्पायर लिया है, ये देश भर के हर एक सिटी वाले ने अगर ये थाम लिया कि हमको करना है तो कोरोना जल्द से जल्द पूरे देश में से मुक्त हो जाए। जिन्होंने प्लाज्मा दान दिया और अभी वो लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे समीर जी शाह जो हम उनसे जानेंगे। सर, प्लाज्मा दान देने के बाद कुछ तकलीफ होता है अपने को? मुझे लास्ट ईयर कोविड हुआ था जुलाई के मंथ में, और एक महीने के बाद मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया था कि उसे कोई रिलेटिव को अर्जेंट प्लाज्मा की ज़रूरत थी, तो मुझे तो उस टाइम पे लगा कि इतना ज़रूरी नहीं है प्लाज्मा देना, बट जब वो पेशेंट का सिचुएशन देखा तो मुझे लगा कि प्लाज्मा देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये सभी से यही अपील है कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद कोई वीकनेस नहीं आता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो आप ज़रूर एक बार प्लाज्मा डोनेट करो, और मुझे गारंटी है कि एक बार, मतलब आप हर 15 दिन में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, एक बार करने के बाद आप जरूर वापस दूसरी बार आ गया होगे प्लाज्मा डोनेट करने। ये जो प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है रूबी हॉल के साथ में ये लोग कर रहे हैं, उधर रूबी हॉल में जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वैसे परिन भाई शाह है, सर क्या क्या उधर तकलीफें आ रही है, आप किस प्रकार से रूबी हॉल से आपको कोऑपरेट हो रहा है और किस प्रकार आप ये ड्राइव कर रहे हैं उधर? हर 2 मिनट, हर 5 मिनट में हमें एक कॉल आ रहा है लोगों को प्लाज्मा चाहिए, पुणे से, मुंबई से, दिल्ली से, सोलापुर से, बिशी से, अलग अलग जगहों से। मेरा एक ही लोगों से कहना है, प्लीज़ डोंट सेंड मैसेजेस टू आस्क पीपल टू गिव प्लाज्मा, राधा ब्रॉडकास्ट फॉर प्लाज्मा रिक्वायरमेंट्स, राधा कम अहेड एंड आस्क पीपल टू वॉलंटियर टू गिव प्लाज्मा, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, उन्हें बोलिए आगे आए और प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करें, घर पे बैठे लोगों को दूसरे को कॉल करके जिसको प्लाज्मा चाहिए उसकी ज़रूरत पूरी ना करें, कम अहेड एंड गिव प्लाज्मा, वी आर लैकिंग प्लाज्मा, वी आर नॉट लैकिंग पीपल टू मैसेज दैट वी नीड प्लाज्मा। रूबी हॉल में आप जो देख रहे हैं मैनेजमेंट, उधर क्या कुछ दिक्कत आ रही है आपको या सब ठीक से हो रहा है काम? दिक्कत रोज़ आ रही है, दिक्कत यही आ रही है कि लोग जितने प्लाज्मा चाहिए वो 100 है पर डोनेट करने वाले गिन के 5 या 10 है, वो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है, उसीलिए हमको ये कैंप्स करने पड़ रहे हैं, बाहर आना पड़ रहा है, लोगों को मिलना पड़ रहा है, एक एक लोग को फ़ोन करना पड़ रहा है, ये वॉलंटरीली सबको एक दूसरे को कॉल करके ही होगा, मैसेज फॉरवर्ड करके कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज़ वॉलंटरीली कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल योर फैमिली, कॉल एवरीवन एंड टेल देम टू कम डोनेट प्लाज्मा, पीपल विल ओनली रीड योर मैसेजेस एंड लेट इट गो, आगे बढ़ाने के लिए लोगों को कॉल करके आगे आना पड़ेगा। प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए कोई भी अगर आदमी आता है उसको कितना टाइम लगता है और उसको क्या कुछ आवश्यकतापना या कुछ तकलीफ होती है क्या? फर्स्ट राउंड में आना पड़ता है उन्हें, तभी उनका सिर्फ एंटीबॉडी चेक होता है, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर एंटीबॉडी चेक होने के 1 या 2 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, फिर वापस हम उन्हें कॉल करते हैं इफ़ द एंटीबॉडीज़ आर पॉजिटिव टू डोनेट प्लाज्मा, तभी दैट प्रोसीजर टेक्स 40 to 45 मिनट्स वो ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट करके ब्लड वापस अंदर रखने में, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, जस्ट ए नीडल वहाँ तक आने की दूरी है बस, उसके बाद हम सब भी आपकी ध्यान रखने के लिए। सोशल ग्रुप पुणे प्लैटिनम के महावीर जी ओसवाल भी हमारे साथ है, हम जानेंगे ये प्लाज्मा डोनेशन जो उनका चल रहा है, ये प्रोग्राम जो ड्राइव ये कर रहे उसके बारे में। आओ मिलकर प्लाज्मा दान करें, जीवन बचाए, हर एक जिंदगी अनमोल है, आप आगे आओगे उतना अच्छा है, कि आज की तारीख में प्लाज्मा की सख्त ज़रूरत है, जितने डोनर है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी अगर हमें बचानी है तो हमें मिलकर इसे बचानी पड़ेगी, प्लाज्मा दान करना पड़ेगा, सो प्लीज़ एक बार वैक्सीन से पहले प्लाज्मा दान कीजिए, सबकी जिंदगी अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you.